और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आर्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। लंबे समय से वार्ड में चुनाव लड़ने को लेकर मेहनत कर रहे प्रत्याशी भी दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने इस बीच ए फॉर्म भर दिया है तो पार्टी से हरी झंडी मिलने के बाद बी फॉर्म भरने का इंतजार किया जा रहा है। उसी बीच राजधानी भोपाल के वार्ड 42 में लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे एक पार्षद प्रत्याशी का वोटर लिस्ट से नाम कट जाने के बाद सपने चकनाचूर हो जाने का मामला सामने आया है। शहर के वार्ड 42 में पार्षद का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके पीड़ित शहजान अहमद सिद्दीकी का आरोप है कि उनके भविष्य को खत्म करने के मकसद से षड्यंत्र पूर्वक नई मतदाता सूची से उनका नाम काटा गया है। शहजान अहमद सिद्दीकी ने अपनी आवाज पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके पूरे परिवार के नाम मतदाता सूची में दर्ज है, सिर्फ उन्हीं के नाम को चिन्हित कर काटा गया है। जब यह बात उन्हें पता चली तो उन्होंने शहर SDM निर्वाचन आयोग और कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की है, उसके बावजूद भी अब तक उनका नाम नहीं जोड़ा गया। शहजान अहमद सिद्दीकी ने कहा कि निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी उन्होंने अपना नाम जोड़ना चाहा, मगर विभाग द्वारा एक दिन के लिए उनका नाम जोड़ा गया और अगले ही दिन उस नाम को फिर से काटा गया, जिसके प्रमाण भी उनके पास मौजूद है। शहजान अहमद सिद्दीकी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो क्षेत्र, जिस वार्ड, जिस क्षेत्र से वो संघर्ष करते आ रहे हैं, वो जीत सकते हैं। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है कि एक कार्यकर्ता के, कांग्रेस कार्यकर्ता को मनोबल को गिराना और उसको नुकसान पहुंचाना। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी की अध्यक्षता में और मध्य प्रदेश में पूरे आज कांग्रेस स्थिति में है, उसका कार्यकर्ता इस स्थिति में है कि सरकार आने वाले चुनाव में वो लड़के सरकार कांग्रेस की बनवा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये षड्यंत्र है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे, तो कांग्रेस कार्यकर्ता कमजोर हो ताकि पार्टी कमजोर। वार्ड नंबर 42 में कब से रह रहे हैं? मैं जन्म से वार्ड नंबर 42 में रह रहा हूँ, ये स्थाई पता है मेरा। जो आपका नाम काटा है, आपने इसको लेकर किसी से बात करी? मैंने बिल्कुल माननीय कलेक्टर महोदय से, निर्वाचन मध्य प्रदेश निर्वाचन सचिव और माननीय SDM महोदय से बात करी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो मुझे दिए हैं, लेकिन उस पर कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं। आज दिनांक तक मेरा नाम जो है वोटर कोशिश करके और ये कल की डेट में मेरा नाम जो है ये वोटर आईडी मुझको इशू हुआ जी, और आज दिनांक को ये वोटर मेरा लिस्ट से फिर नाम जो है काट दिए गए। ये ऑनलाइन से निकाली हुई कॉपी, ये लेटेस्ट ऑनलाइन से निकाला आपने? ये बिल्कुल आज शाम के ही मैंने आज ही निकाला। आपके परिवार के और लोगों का भी वोटर आईडी यही के? सबके वोटर आईडी है, इसमें नाम है, पूरा परिवार है मेरा, ये देखिए, ये पूरा मेरा परिवार। सिर्फ आप ही का नाम काटा गया? पूरा परिवार है मेरा और इसमें मेरा ही नाम काटा गया। आपका नाम बता दीजिए? मेरा नाम शहजान अहमद। कांग्रेस पार्टी में कब से कार्यरत है? मैं 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में किस किस पदों पर रहे हैं? लेकिन पद पे तो पूर्व में तो NSCI में भी रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, लेकिन वर्तमान में मैं मंडलम अध्यक्ष हूँ और जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। ठीक।